दोस्तों, उषा स्वादिष्ट भोजन में आपका स्वागत है। और आज मैं बना रही हूँ एक झटपट एक पनीर की भुर्जी, जिससे बहुत अच्छा लगेगा और झटपट बन जाता है। चलिए आपको दिखाते हैं, आइए। गैस चला दिए, देखिए ये पनीर है, 200 ग्राम पनीर है ये, और ये 4 बड़ा टमाटर, तो और ये अदरक है, ये हरी मिर्ची, ये कसूरी मेथी, और ये ढेर सारा हरी धनिया। चलिए फिर 1.5 चम्मच तेल, इसमें हम बाद में थोड़ी सी घी डालेंगे। चलिए जीरा, छोटा टेबल स्पून जीरा, और ये है आधा टेबल स्पून हींग, और ये रहा हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने तीखा अनुसार डालिए। ये रहा अदरक हम बहुत ढेर सारा डालें, फायदा भी करेगा, ठंडी है। टमाटर, थोड़ा इसे हम ढक देते हैं, टमाटर जरा सा सॉफ्ट हो जाए, फिर हम इसमें आगे देखिए क्या करें। चलिए देखते हैं, टमाटर हमारा गल गया है। सॉफ्ट हो रहा है, अब इसमें हम बाकी के सामग्री मसाले डाल देते हैं। हल्दी, एक चम्मच हल्दी डालें, एक चम्मच चिली फ्लेक्स, धनिया पाउडर, छोटा टेबल स्पून 2 चम्मच धनिया पाउडर, क्रश किया हुआ कसूरी मेथी घर का, घर में बनाए हुए हैं, अब इसमें हम थोड़ा इसे नमक डाल देते हैं। नमक डालने से ये जल्दी टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा। नमक अपने स्वाद अनुसार डालिए, कम खाते हैं ज्यादा खाते हैं। अब इसी पर हम डालेंगे 1 चम्मच, इस चम्मच से थोड़ा सा 1/2 चम्मच बेसन। इस बेसन डालने से हमारा भुर्जी जो है
पूरा थिकनेस अच्छा रहेगा। और अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच काजू ग्रेट किया हुआ है, डालते हैं पनीर, थोड़ा सा हम 2 मिनट के लिए ढक देते हैं। हमारा पनीर और टमाटर बिल्कुल मिक्स हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, आधा कप पानी, ताकि मसाला वगैरह सब पूरी अच्छी तरह से इसको मैश कर दे रहे हैं। बस थोड़ा और पानी, इसमें टोटल हम आधा ग्लास पानी डालें। अब हम इसमें धनिया डाल देते हैं, धनिया हो गया हमारा पनीर टमाटर की भुर्जी ग्रेवी। अब इसे हम पराठा रोटी तंदूरी किसी से भी खा सकते हैं। चलिए आज हम तंदूरी कुलचा बना रहे हैं इसी भुर्जी के साथ। थोड़ा सा गरम मसाला, सॉरी कुलचे, थोड़ा सा किंग किचन मसाला, ये भी होममेड है। अब देखिए हमारा कुलचा तंदूरी हमारा रेडी है।
करारी बनी है, मस्त बनी है। अब इसे हम और आप इसे बनाइए, खाइए, झटपट बनती है। जब कभी सब्जी बनाने को मन ना करे तब आप ये पनीर की भुर्जी बना दीजिए, काफ़ी स्वादिष्ट, बहुत अच्छा बनता है। चाहे आप पूरी, पराठा, तंदूरी, और इससे तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए अब हम खाते हैं, और आप भी बनाइए और आप भी खाइए, काफ़ी स्वादिष्ट होता है, झटपट बन जाता है। आगे के वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय। और कैसा बना आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। लाइक्स, सब्सक्राइब और बेल आइकन को आप प्रेस करिएगा, भर भर के मुझे कमेंट्स दीजिएगा, अच्छा हो तो भी, ना अच्छा हो तो भी। नमस्कार।